हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके रिगार्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम बिना देरी के वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर आप करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें गिवन है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे, तो कि हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। तो हमसे पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है और इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हमें इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एक कमिटमेंट है एंड एक्टिविटीज़ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है ताकि हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई कर पाएँ ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो बेसिकली CSR कुछ नहीं है, CSR एक कमिटमेंट है बिजनेसेस के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि वो एथिकली बिहेव करेंगे, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो लोगों की वर्क लाइफ, यू नो, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, वो उनकी फैमिलीज के लिए जो है सोचेंगे एंड वर्क करेंगे, एज वेल एज एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ वो करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए कुछ करेंगे। तो यहाँ पर CSR की अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये कमिटमेंट देता है कि कुछ ना कुछ वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करेगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से। ठीक है, कुछ हमें यहाँ पे डेफिनेशन भी गिवन है वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। CSR एक कंटिन्यूइंग कमिटमेंट है, यानी कि ये नहीं कि एक बार किसी बिजनेस ने कुछ CSR एक्टिविटी कर दी तो ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूटी में बिजनेसेस को ये काम करना है, CSR के अंडर ये CSR एक्टिविटीज़ करनी है। यू नो, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक तरीके की कमिटमेंट है बिजनेसेस के द्वारा कि वो एथिकली बिहेव करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी के लिए, वो वर्कफोर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, उनकी फैमिलीज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो इम्प्रूव करेंगे, एज वेल एज लोकल कम्युनिटी, जो उनके आसपास की लोकल कम्युनिटी है उनके लिए भी उनका बिहेवियर एथिकल होना चाहिए, उनके फेवर में होना चाहिए और सोसाइटी के लिए अच्छा करना ही CSR है। तो CSR implies obligation to pursue those policy, to make those decision or to follow those line of action which are desirable. तो CSR एक obligation है, CSR एक कर्तव्य है जिसमें हम जो businesses हैं वो ऐसी policies, ऐसे decision लेते हैं, you know, ताकि जो है डिज़ायरेबल हो सोसाइटी के लिए, वो डिज़ायरेबल हो, सोसाइटी को वैल्यू करे, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स उसमें पूरे हों। तो CSR को कंसीडर किया जाता है एक तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, और कहा जाता है कि ये एक प्री रिक्विजिट है सस्टेनेबिलिटी, यू नो, को इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेस चाहता है कि वो लॉन्ग रन तक काम करे सोसाइटी में के अंदर, तो उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का सस्टेनेबिलिटी के तौर पे हम कह सकते हैं कि CSR एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो है स्ट्रेस करता है कि कंज्यूमर, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स को राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए अपने कॉरपोरेशंस और अपने बिजनेसेस के बारे में जानने का। और कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स जो CSR के फेवर में की गई वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर वन जो इसके फेवर में बात कही गई कि बिजनेस इज अ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, बिजनेस क्या है, सोसाइटी के द्वारा ही, यू नो, क्रिएट किया गया है।
इसमें हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जो कि सोसाइटी के ही हैं, सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं, उन्हीं के रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई भी इंसान बिजनेस करता है, राइट? तो इट शुड देयरफॉर रिस्पोंड टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपका भी कर्तव्य है सोसाइटी के प्रति कि आप भी उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करोगे। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस इज फुलफिल्ड एट इट बेस्ट व्हेन अ बिजनेस अज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा चले, तो आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, राइट, सोसाइटी के प्रति। तो इट इज़ मॉरली करेक्ट एंड अ राइट कोर्स ऑफ एक्शन टू डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक तरीके से मॉरली करेक्ट माना गया है और एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन इसको हम कहते हैं। CSR जो है इम्प्रूव करता है एक बिजनेस की पब्लिक इमेज को। CSR जो है वो एक बिजनेस की रेपुटेशन को इम्प्रूव करता है। भाई ये बिजनेस जो है वो सोसाइटी के प्रति अच्छा काम कर रहा है तो उसका तो नाम होगा ना सोसाइटी में। फिर कंज्यूमर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर्स को सब कुछ पता ही होता है। CSR हेल्प करता है वर्कर्स को ये अंडरस्टैंड करने में कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस की ज़रूरत है ताकि उनके इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को हेल्प हो पाए। और देर इज़ अ ग्रोइंग फीलिंग अमंग द बिजनेस मैन दैट इफ दे डू नॉट राइज टू द ओकेजन इन मीटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट विल स्टेप इन टू मेक दैम एज्यूम सच रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू लेजिस्लेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि या तो बिजनेस मैन खुद ये बात समझ जाएँ कि उनकी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नहीं तो गवर्नमेंट को उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा लेजिस्लेशन के थ्रू, राइट? तो ये है हमारा CSR के फेवर में। अब इसके अगेंस्ट में भी कुछ बातें बोली गईं कि बिजनेस मैनेजर विल बी गाइडेड बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना? कि हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक बिजनेसमैन किस लिए बिजनेस करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो बिजनेस करता है, उसको इसी चीज़ के लिए गाइड किया जाता है। लेकिन हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसके जस्ट उलट है, अपोजिट है, राइट? तो ये इसके अगेंस्ट में है ये बात, क्योंकि वो चाहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी तो खर्चा आएगा, फिर कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाएगा। नंबर टू, बिजनेस मैनेजर विल गेट आर्बिट्रेरी पावर्स इन द मैटर ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी टू विच दे शुड नॉट बी एंटाइटल्ड। तो इसका ये मतलब है कि बिजनेस मैनेजर्स को ये पावर मिल जाती है कि वो जो है रिसोर्सेज का एलोकेशन कर पाएँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएँ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, बट विच दे शुड नॉट बी एंटाइटल। मतलब कहने का मतलब है कि लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं, मतलब वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को तो यूज़ कर रहे हैं पर वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं ऐसा वो कुछ नहीं करते। तो ये एक इसके अगेंस्ट में है। पॉलिसी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या, एक्सेप्टिंग द सोशलिस्ट व्यू, कि एक ऐसा पॉलिटिकल मैकेनिज्म को प्रेफर किया जाना चाहिए मार्केट मैकेनिज्म के ओवर कि स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट अच्छे से किया जाना चाहिए। दिस में लीड टू इनएफिशिएंट यूसेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि द पॉलिसी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो पॉलिसी है उसका मतलब क्या है, सोशलिस्ट व्यू को एक्सेप्ट करना, और ये एक्सेप्ट करना कि भाई पॉलिटिकल मैकेनिज्म जो है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बजाय कि मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म का मतलब क्या, कि जो हमारे ऐसे रिसोर्सेज जो स्कार्स हैं, जो जो कम है, उनको प्रॉपर एलोकेट किया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल मैकेनिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जो एक तरीके का नेगेटिव है, और दिस में लीड टू इनएफिशिएंट यूसेज। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका यूसेज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये एक नेगेटिव इसके प्रति बोला गया है। गवर्नमेंट ऑफ द लैंड एंड नॉट बिजनेस शुड बी गिवन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि भाई वहाँ जो जिस भी ये गवर्नमेंट है या वहाँ पे बोला गया नॉट बिजनेस शुड बी गिवन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ इन्हीं को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाने चाहिए मेजर्स के लिए कि भाई क्या
मेजर्स हैं जिससे हम अपनी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कर पाएँ, तो ऐसा भी इसके अगेंस्ट बोला गया। और कस्टमर विल हैव टू पे हायर प्राइजेस देन नेसेसरी फॉर प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर CSR एक्टिविटी होगी तो बिजनेसेस वो पैसा अपनी जेब से थोड़ी देंगे, वो तो ये पैसा भी कस्टमर से वसूल करेंगे, और फिर कस्टमर को ज़्यादा फिर प्रोडक्ट के प्राइजेस चुकाने पड़ेंगे, ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑलराइट, और अगर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अजम्पशन रहा तो इससे बिजनेसमैन का सेल्फ इंटरेस्ट अचीव नहीं हो पाएगा, उसमें बाधा आएगी। उसके बाद पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CSR स्ट्रेटजी, उसकी नीड्स और इसकी इम्पोर्टेंस हमें बतानी है कि CR स्ट्रेटजी क्या है, CSR, और इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले बोला गया कि एक कॉरपोरेशन को जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, यू नो, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने में, बिकॉज वेरिंग एक्सपेक्टेशंस, प्रेफरेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स, डाइवर्स इकोनॉमिक, कम्पिटिटिव, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्स अंडर विच द कॉरपोरेशन ऑपरेट। यू नो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उस बिजनेस के जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर मतलब इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और इम्प्लॉइज और सप्लायर, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी प्रेफरेंस कुछ होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है, तो सबका ध्यान रखना होता है एक बिजनेस को। तो डाइवर्स इकोनॉमिक, कम्पिटिटिव, पॉलिटिकल और कल्चरल फोर्सेस भी इस चीज़ को अफेक्ट करती हैं। तो ये CSR स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो इसकी ज़रूरत क्या है कि भाई यही जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इससे ओवरकम करना है ना। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टॉप मैनेजमेंट ने रिकग्नाइज करा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इम्पॉर्टेंस को। जब भी वो अपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स बना रहे हैं तो वो ये बात भी ध्यान रख रहे हैं कि उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो टॉप मैनेजमेंट को एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना चाहिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखने चाहिए अपने वर्क की, कि लोकल कम्युनिटी को उसकी एडवांटेज है या उसकी कोई डिसएडवांटेज भी है। फर्म को अपने सोशल एनवायरनमेंट को स्कैन करना चाहिए, और एवरी फर्म शुड सेट सोशल ऑब्जेक्टिव, हर फर्म को सोशल ऑब्जेक्टिव भी सेट करने चाहिए। अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंस की, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ये क्लैरिफाई करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। स्ट्रैटेजी आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को सरल बना देती है, आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स को सरल बना देती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो पाए। कंपनीज दैट डू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आर एबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ प्लानिंग, मतलब ऐसी कंपनीज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करती हैं वो एबल होती हैं प्रिडिक्ट करने में। प्रिडिक्ट मतलब कुछ ना कुछ पहले से अनुमान लगाना कि क्या इस प्लानिंग का क्या आउटकम निकलेगा, अदर कंपनीज से हम कैसे बेटर बनेंगे। तो इसीलिए CSR स्ट्रेटजी इज़ वेरी यूजफुल टू फाइट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। तो ये बहुत ज़रूरी है, मार्केट में कॉम्पिटिशन के लिए भी यूजफुल है, और कंट्रोल ओवर द मार्केट भी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय फिलैंथ्रोफी, इज़ इट द सेम एज CSR, तो ये CSR जैसा ही है क्या। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आया हुआ है 2022 में, फिलैंथ्रोफी के बारे में पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए। फिलैंथ्रोफी का मतलब क्या, कंपनीज की ऐसी एक्टिविटीज़, यू नो, कॉरपोरेशंस ऑफ ऑल सेक्टर टू मेक चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस फॉर एड्रेसिंग अ वैरायटी ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर इशूज़। तो देखो सेम सा ही लग रहा है, CSR भी ऐसा ही है, फिलैंथ्रोफी भी ऐसा ही है। तो बोला क्या गया कि फिलैंथ्रोफी क्या करता है, फिलैंथ्रोफी का मतलब क्या है कि कंपनीज़ की ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें कंपनीज़ क्या करती हैं, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करती हैं, किस चीज़ के लिए करती है, सोशल, इकोनॉमिक और अदर इश्यूज़ के को एड्रेस करने के लिए। फिलैंथ्रोफी जो है वो बिकम्स कॉरपोरेट व्हेन द कंट्रीब्यूशन इज़ डन बाय अ कंपनी। फिलैंथ्रोफी जो है वो कॉरपोरेट, यू नो, हो सकता है जब कंट्रीब्यूशन जो है वो किया जाएगा कंपनी के द्वारा। और जैसे इन्होंने बोला गया कि ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फिलियन,
जिसका मतलब है टू लव, एंड एंथ्रोपोस जिसका मतलब है मैन, यानी कि टू लव मैन। तो फिलेंथ्रोफी जो है वो क्या है, लव फॉर मैनकाइंड, कि इंसानों यू नो के लिए प्यार, एंड हैज़ कम टू रेफर टू चैरिटी। तो इसका मतलब क्या है कि चैरिटी करो जिससे जनरल वेलफेयर प्रमोट हो, और इन विच द ओनली एम इज टू अपग्रेड द वेलबींग ऑफ अ कम्युनिटी, कि हमें अपने लोगों को अपग्रेड करना है। इट इज़ देयर फॉर अ लव फॉर अ मैनकाइंड एक्सप्रेस थ्रू चैरिटी, इसमें चैरिटी की जाती है उन सोसाइटी की वेलफेयर और सोसाइटी के प्रोग्रेस को प्रमोट करने के लिए। फिलेंथ्रोफी बिल्ड करता है गुडविल, किस में, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के बीच में, यू नो कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं और कंपनीज के जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में एक गुडविल बिल्ड होती है। फिलेंथ्रोफी ये चीज़ करता है जिससे क्या होता है, हम सोशल सर्विसेज एजेंसीज को कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, एंड बिजनेसेस को भी हेल्प होती है इसमें एक अच्छा नाम कमाने में, क्योंकि आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है, कंट्रीब्यूशन कर रही है, चैरिटी कर रही है, तो आपका भी नाम होगा, राइट? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फिलेंथ्रोफी। लेकिन ये जो फिलेंथ्रोफी है ये एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट था कि भाई चैरिटी कर दो और ये कर दो वो कर दो, ये एक फिलेंथ्रोफी के अंडर आ गया। लेकिन CSR क्या है, CSR का मतलब क्या है, जो कि मॉडर्न कंसेप्ट है हमारा, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिलेंथ्रोफी से अलग है, ठीक है? मतलब पहले क्या होता था, सिर्फ डोनेट कर दी मनी, ठीक है? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो न्यू कॉन्सेप्ट है हमारा, और फिलेंथ्रोफी में क्या होता था, जस्ट डोनेट कर दी जाती थी मनी, यू नो अच्छे कामों के लिए, और इट ऑल्सो कवर्स इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यू नो फिलेंथ्रोफी का मतलब क्या, कि प्रोवाइड वेलफेयर एक्टिविटीज़ टू पीपल अराउंड द कंपनीज एरिया ऑफ ऑपरेशन। फिलेंथ्रोफी में मतलब क्या होता था कि आप वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए कुछ फंड कंपनी प्रोवाइड कर देती थी, लेकिन CSR क्या है, कंपनी का ओब्लिगेशन है, कंपनी की ड्यूटी है अपने यू नो अपने स्टेक होल्डर्स के प्रति सोसाइटी में। और CSR का स्कोप वाइडर है फिलेंथ्रोफी से, ठीक है जी? तो आई थिंक इतना बहुत है। उसके बाद डिस्कस करना है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सिस्टम आर क्लोजली, CSR और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सिस्टम जो है वो क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि दोनों का ही संबंध इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वॉल्व टॉप मैनेजमेंट फंक्शनरी से रिलेटेड है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का जो मोस्ट क्रूशियल टास्क है वो यही है, बिजनेस प्लान्स को मर्ज करना फिलेंथ्रोफिक प्रोजेक्ट्स के साथ। सो फॉर एन इफेक्टिव फिलेंथ्रोफी प्रोग्राम, एक अच्छे फिलेंथ्रोफी प्रोग्राम के लिए ये नीड है कि केयरफुली स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया जाना चाहिए, ताकि एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी अगर बनेगी तो टॉप मैनेजमेंट को ये क्लियर होगा कि वो उसकी फर्म के फ्यूचर के लिए क्या चाहते हैं या फ्यूचर में उसके क्या गोल्स हैं। तो स्ट्रैटेजिक चॉइस मस्ट बी क्लियर, ये क्लियर होनी चाहिए, एम्बिग्यूस होनी चाहिए, यानी कि कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट को एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए कि वो अगर कोई भी प्लान बना रहे हैं तो इसका क्या बेनिफिट है, क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं लोकल कम्युनिटी पर। तो इसीलिए लोकल कम्युनिटी को भी ध्यान में रखते हुए प्लान्स बनाने हैं। फर्म को सोशल एनवायरनमेंट को स्कैन करना है, और एवरी फर्म, हर फर्म को सोशल ऑब्जेक्टिव भी सेट करने हैं, अपने कॉरपोरेट के लिए ही नहीं बल्कि यू नो अपनी सब्सिडरीज के लिए। सब्सिडरी मतलब लाइक मेरी एक कंपनी है और मैंने आपकी एक कंपनी को एक्वायर किया गया है, तो मैं होल्डिंग हो गई, आप सब्सिडरी कंपनी हो गई, तो वो सब्सिडरी होती है, मतलब आप मेरे अंडर हो। तो फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट शुड कंटिन्यूसली मॉनिटर वेरियस ऑपरेशंस। तो एक इफेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए टॉप मैनेजमेंट को लगातार मॉनिटर भी करना होता है अपनी सारी एक्टिविटीज़ को, ताकि सोसाइटी को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना पहुँचे हमारे बिजनेस से, ठीक है जी? फिलेंथ्रोफी हम कर चुके हैं, और एक होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम CSR बोलते हैं, और एक होता है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों में क्या फ़र्क है? CSR का मतलब है ये कंपनी का ओब्लीगेशन है, कंपनी का कर्तव्य है सोसाइटी के प्रति। इट इज़ द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट, बिजनेसिस के द्वारा कंटिन्यूइंग कमिटमेंट है ये
कि बिजनेस को एथिकली बिहेव करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति कंट्रीब्यूशन करना है, और अपनी वर्कफोर्स और अपनी लोकल कम्युनिटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है। लेकिन वहीं मैं अगर बात करूँ सिर्फ कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो CR का मतलब क्या कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की अपने स्टेक होल्डर्स के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, सोशल वेलफेयर के प्रति। और CSR जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है CSR से, और CR यानी कि कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे ब्रॉडर इश्यूज लाइक कॉरपोरेट गवर्नेंस भी आता है, एथिक्स भी आता है, एनवायरनमेंट भी आता है, लेकिन जो CSR है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल एस्पेक्ट्स पर ही फोकस करता है। इसीलिए CR का कॉन्सेप्ट वाइडर है CSR से। ऑल राइट, और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंजिस्ट होते हैं, मतलब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। CSR एक इंटीग्रल पार्ट है CR का, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो CSR एक वन ऑफ द कॉम्पोनेंट है CR का, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का। CSR इज डूइंग गुड टू सोसाइटी, वेयर एज CR इज डूइंग गुड टू एवरीबडी। CSR का मतलब सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अच्छा करना है, लेकिन CR का मतलब क्या है, सभी के लिए अच्छा करना है। तो CR का इसीलिए कंसेप्ट बड़ा है CSR से। अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है CSR और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का, ये भी अगर पढ़ें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब आज आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, रिसोर्स यूज़ करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन आप ये बात ध्यान में नहीं रख रहे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे, राइट? तो आपको अपने प्रेजेंट को अच्छा करना है लेकिन अपने फ्यूचर जनरेशन को भी के बारे में भी सोचना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट, हाँ आप प्रेजेंट की नीड्स को भी सेटिस्फाई करो लेकिन आप फ्यूचर जनरेशंस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सजेस्ट करता है कि आप नीड्स को तो पूरा करें और बैलेंस बना के चलें सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स में। और जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ही इंक्लूडेड नहीं है बल्कि सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को तो पूरा करो, दैट अ कंपनी एड सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज भी ऐड करो अपने जो भी वो काम कर रहे हैं, लाइक वो प्रोडक्ट बना रहे हैं या वो सर्विसेज दे रहे हैं उसके थ्रू। तो CSR का मतलब क्या है, CSR एक जरिया है कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी का। तो वेन अ कॉरपोरेशन फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कोई कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करती है तो वो सस्टेन रहती है। तो CSR एक तरीके का ऐसा मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि कंपनी एफर्ट्स लगाए ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाए। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो क्या डिफरेंस है बिजनेस एथिक्स और CSR में। बिजनेस एथिक्स एंड CSR आर जनरली यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब इन दोनों को ऐसा माना जाता है कि सेम सेम चीज़ें हैं, लेकिन CSR एक वाइडर टर्म है, इसमें हमने क्लियरली डिफाइन किया है। लेकिन जो एथिक्स है वो एक लूज टर्म है जो कि डिपेंडेंट है एक पर्सन के कंसाइंस पे। CSR का मतलब क्या है, रिकग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। CSR का मतलब कि सोसाइटी के प्रति उनकी एस्पिरेशंस को समझना, उनको रिकग्निशन देना, एंड ये डिटरमाइन करता है कि कैसे एक कंपनी कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी के प्रति। CSR एक इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन है पॉलिसीज, प्रोग्राम, एजुकेशन प्रैक्टिसेस का। आप ये CSR एक्टिविटीज़ में कर सकते हो, आप पॉलिसीज़ बना सकते हो, ऐसी पॉलिसीज जो सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो, आप ऐसे प्रोग्राम चला सकते हो जो सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो, आप एजुकेशन दे सकते हो गरीब लोगों को जो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, राइट? आप स्कूल्स में कुछ भी एक्टिविटी करना है लेकिन CSR के थ्रू करना है। तो ये हमारा CSR है। बिजनेस एथिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, बिजनेस एथिक्स एक एप्लीकेशन है मॉरल वैल्यूज़ का, प्रिंसिपल्स का। इसमें इक्वल, ऑनेस्ट और फेयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है कि हमें अपने स्टेक होल्डर्स के साथ इक्वली, ऑनेस्ट और फेयर ट्रीटमेंट करना है।
और सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी. तो कॉरपोरेशन विच कंडक्ट इट अफेयर इन जस्ट एंड एथिकल मैनर फुलफिल इट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बिजनेस एथिक्स का मतलब कि एथिकल मैनर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है. बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीम टू बी ओवरलैपिंग देयर एंड हैज़ ऑल्सो ऑलवेज बीन अ कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन द टू. ओके, तो कंपनी दो दे आर कमिटेड टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर मे बी एंगेज इन एक्ट दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एथिकल. तो अब इन्होंने बोला कि अगर कोई कंपनीज कमिटेड हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बिहेवियर के लिए, और साथ में बोला कि व्हाट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी समटाइम्स नॉट गुड फॉर द बिजनेस. कभी कभी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा होता है तो ज़रूरी नहीं है वो बिजनेस के लिए भी अच्छा हो, या फिर कभी कभी व्हाट इज़ गुड फॉर द बिजनेस इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. कि बिजनेस के लिए वो चीज़ अच्छी है लेकिन सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है. लाइक सेलिंग ऑफ लिकर, यू नो, शराब बिक रही है, टोबैको बिक रहा है सोसाइटी में, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है लेकिन बिजनेस के लिए अच्छा है, राइट. तो सेम अप्लाइज टू लॉटरीज, गैम्बलिंग. ये क्या है? ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ये बिजनेस के लिए अच्छा है लेकिन ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है. तो हमने अपने, यू नो, इन सारे बिजनेस एथिक्स में हमारा सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है CSR के लिए. तो ये सारा इसमें आ गया. तो अब हमें CSR के कुछ डिफरेंट मॉडल्स गिवन है. क्या क्या मॉडल गिवन है? एक होता है एथिकल मॉडल, एक होता है स्टैटिस्ट मॉडल, एक होता है लिबरल मॉडल और एक होता है स्टेक होल्डर मॉडल. तो ये हमारे चार मॉडल गिवन है CSR के. सबसे पहले बात करेंगे एथिकल मॉडल की. तो एथिकल मॉडल जो है वो 19th century में आया था. जैसे कि इन्होंने बोला कि कॉरपोरेट फिलैंथ्रोपिस्ट सच एज द कैडबरी ब्रदर्स इन इंग्लैंड एंड द टाटा फैमिली इन इंडिया. तो कैडबरी ब्रदर्स जो इंग्लैंड के हैं और टाटा फैमिली जो इंडिया की हैं, इन्होंने ये एथिकल मॉडल लाया था. इसमें क्या होता है? द प्रेशर ऑन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट व्हेन महात्मा गांधी डेवलप्ड द नोशन ऑफ ट्रस्टीशिप. तो उस दौरान क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने जब हमारे को इंडिपेंडेंस, यू नो, दिलाई, आज़ादी दिलाई, तो ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट पर प्रेशर आया कि उनको सोशल डेवलपमेंट करना है. तो कमिटमेंट ऑफ वेरियस एनलाइटेंड कॉरपोरेशन टूवर्ड सोसाइटीज़ वेलफेयर वॉज रिफ्लेक्टेड इन देयर इन्वेस्टमेंट. तो अब जो भी उनकी कमिटमेंट थी सोसाइटी के वेलफेयर के प्रति, वो रिफ्लेक्ट होती है. उन्होंने इन्वेस्ट किया, स्कूल्स बनाए हमारे देश में, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए और अदर पब्लिक सोर्सेज भी बनाए. तो ये एथिकल मॉडल के अंतर्गत आया, जिसमें इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि वो सोशल डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करें इंडिया की सोसाइटी में वेलफेयर के लिए. स्टैटिस्ट मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो ये इंडिया में ही आया था. ये मॉडल 1947 के बाद आया था, जब इंडिया ने सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया था एक लार्ज पब्लिक सेक्टर और स्टेट ओन्ड कंपनीज के साथ. तो स्टैटिस्ट मॉडल ये सजेस्ट करता है कि स्टेट का कंट्रोल होगा बिजनेस के ऊपर, ताकि स्टेट ये इंश्योर कर पाए कि वो जो बिजनेस है वो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. और दिस स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉरपोरेट फिलॉसफी स्टिल ऑपरेट्स इन दी न्यूमरस पब्लिक सेक्टर कंपनीज. आज भी मतलब ये ऑपरेट होता है ये चीज़ काफ़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में. और लिबरल मॉडल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंपनीज़ आर सोलली रिस्पॉन्सिबल टू देयर ओनर्स. तो कंपनी खुद ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है. ये मिल्टन फ्रिडमैन ने ये अपना व्यू पॉइंट दिया था, जिसने आर्ग्यू किया था कि दैट द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. मिल्टन फ्रिडमैन ने कहा था कि एक बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होनी चाहिए कि जैसे जैसे वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे. तो कंपनी डिस्चार्ज इट्स CSR इफ इट ओबे द लॉज एंड जनरेट वेल्थ फॉर इट्स शेयर होल्डर. मतलब उनका ये व्यू पॉइंट था कि CSR का मतलब ही यही है कि वो कानून के दायरे में काम करे कंपनी और अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ जनरेट करे, दैट्स इट. लेकिन हमारा आया नेक्स्ट मॉडल जो कि था स्टेक होल्डर मॉडल. ये मॉडल सजेस्ट करता है कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल है अपने सभी स्टेक होल्डर्स के प्रति. सिटीजन कैंपेन्स अगेंस्ट इररिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट बिहेवियर अलॉन्ग विद कंज्यूमर एक्शन
एंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डर प्रेशर हैव गिवन राइज टू द स्टेक होल्डर मॉडल ऑफ कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इररिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट बिहेवियर की वजह से ही ये स्टेक होल्डर मॉडल आया कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो CSR को इसीलिए कंसीडर किया जाता है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बिजनेस का की सक्सेस के लिए, क्योंकि इसके थ्रू एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट इको फ्रेंडली एटमोसफेयर एस्टैब्लिश होता है। कंपनी जो कि विच ओवरलुक द एस्पिरेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी आर गोइंग टू फेस पब्लिक कैंपेन्स एंड एक्शंस, इसके थ्रू ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ CSR, CSR के ड्राइवर्स कौन है और विच फोर्स कॉरपोरेशन टू मीट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब कुछ फोर्सेज हैं जो कॉरपोरेशंस को यू नो इंक्रीजिंगली कॉन्शियस बना रही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति। तो वो ड्राइवर्स क्या हैं? नंबर वन है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? ये जो आप बाहर कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कर रहे हो। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कॉरपोरेशन इन लोकल एंड फॉरेन मार्केट्स आर फेसिंग इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही तो बाहर की कंपनीज सारी इंडिया में आई है ना, उसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ा। और तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ये हुआ सारी चीज़ें। तो अब इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द फेस ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, अब क्योंकि ग्लोबल कॉम्पिटिशन है, कंपनीज वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर रेपुटेशन। कंपनीज चाहती हैं ना, कॉम्पिटिशन बहुत सारे हैं, आप भी वही प्रोडक्ट बना रहे हो, 10 कंपनियाँ वो सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, पर कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, जिसका एक अच्छा नाम होता है। तो नाम कैसे होगा? CSR के थ्रू होगा। आप अपने स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते चले जाएँ, आपका नाम होता चला जाएगा, रेपुटेशन होती चली जाएगी। तो ये ड्राइवर्स हैं CSR के। नंबर टू प्रेशर फ्रॉम इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर्स वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी। इन्वेस्टर भी तो यही चाहते हैं ना कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं। दे टेक इन टू अकाउंट सोशल एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज। वो ये देखते हैं कि किस कंपनी की अच्छी खासी सोशल एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैं और उनके एथिक्स के लेवल क्या है, तभी वो उस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वजह से भी कंपनीज को दबाव बनता है कि वो CSR एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती हैं। गुड एम्प्लॉयज रिलेशन की बात करूँ तो लोग भी वही उसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जहाँ पे हेल्दी और ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो। तो अगर कोई कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल है तो वहीं पे ही लोग काम करना चाहेंगे, उसी से ही उन कंपनीज को अच्छे लोग आएंगे, उनके यहाँ काम करेंगे, तो एक कंपनी भी यही चाहती है। और इमेज बिल्डिंग की बात करूँ तो कंपनी अपनी एक अच्छी पब्लिक इमेज बिल्ड कर सकती है CSR के थ्रू, और इससे भी होता है। और ये सारे इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इजी हैं, ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।